यूपीए राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ में लोकसभा के सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चलते रही और आपको इस बात की जानकारी है कि 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ, उसकी घोषणा लखनऊ से हुई। समाजवादी पार्टी को 1 सीट लोकसभा की, खजुराहो ये मध्य प्रदेश में देने का भी ऐलान लखनऊ से किया गया। पिछले दिनों में आम आदमी पार्टी के साथ लंबी चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, जिसको आपके समक्ष यहां पर मैं रखने का काम करूंगा। मुझे खुशी है कि 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के आने वाला लोकसभा चुनाव का पूरा जिम्मा एक साथ संभालेंगे और जिस तरह की परिस्थितियां आज मुल्क में बनी है, जो चुनौतियां हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान के सामने बनी है, उनका मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सशक्त तरीके से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सीटों को लेकर समझौता हुआ। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे, भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। चंडीगढ़ को लेकर लंबी चर्चा हुई लेकिन आखिरी में यह तय किया गया कि चंडीगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। गोवा में भी, खास करके दक्षिण गोवा में विस्तार से चर्चा हुई लेकिन फिर यह तय किया गया कि गोवा की दोनों सीटें ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी लड़ेंगी। तो संक्षेप में ये सीटों को लेकर ये जानकारी आपके समक्ष रखनी थी। ये संभव है, 2 अलग अलग राजनीतिक दल हम होने की वजह से अलग अलग चुनाव चिन्हों पर हम ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 पर प्रत्याशी रखने के बाद भी 7 पर हम किस तरह से कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता और नेता उस दिशा में प्रयास करेंगे। और इसी तरह की स्थिति सभी राज्यों में हम दोनों दलों के बीच में ही नहीं तो इंडिया गठबंधन में जितने भी राजनीतिक दल है वो सभी तालमेल के साथ काम करते हुए अधिक से अधिक प्रत्याशियों को कामयाब करने की दिशा में प्रयास करेंगे।